हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो पिछला पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What it have? देखो, अब क्या कह रहा है, अगर 13 एलिमेंट होंगे तो ये तो मैंने समझा दिया था, ठीक है। 13 एलिमेंट वाला ये नहीं, ये देखो 24 एलिमेंट से अब क्या होगा। एक तो 24 के लिए क्या होगा, देखो 24 के लिए क्या होगा भाई, 24 एलिमेंट हैं, ठीक है। 24 एलिमेंट हैं तो क्या ऑर्डर है, पहला वन रो 24, ये हो सकता है 24 इंटू वन हो सकता है, 8 इंटू थ्री हो सकता है, 3 इंटू एट हो सकता है, एक 4 इंटू सिक्स हो सकता है, और 6 इंटू फोर हो सकता है, ठीक है, और 12 इंटू टू हो सकता है, क्योंकि इसके मल्टीपल हो जाएंगे 24 के, ठीक है। ठीक है, इसको तोड़ दो, 2 इंटू क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ हो सकता है देख लो, और तो शायद नहीं है, ठीक है। तो ये ही हो सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गए, 8 ऑर्डर हो गए, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इफ 13 एलिमेंट वाला तो करा दिया था पीछे। अब देखो, सॉरी भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या होगी, इक्वल का निशान दे दिया, तो क्या होगी, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो गई। तो अब ये बताओ उन्हें, जैसे ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई टू फाइव प्लस जेड और एक्स वाई हो गया। अब देखो ये क्या है, 6 2 6 2 5 8, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो, अब ये बताओ एक्स, अब इक्वल मैट्रिक्स हो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस वाई, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, 6 माइनस वाई निकाल लेना, तो 6 माइनस मान लो वाई कर दिया मैंने, ये एक्स कर दिया, ठीक है, 6 माइनस एक्स। अब देखो, और एक्स वाई क्या दे रखा है आपसे, ये इसके इक्वल होगा 8। अब देखो ये तो एक्स है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 6 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखो ये इस साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वेयर, ये इस साइड में आएगा माइनस 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब बताओ, अब गुणा करे तो 8, और जैसे गुणा करे तो 8 और जोड़े तो माइनस 6x, तो क्या होगा ये, तो 4 × 8, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8, तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन, तो x माइनस का 4, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, माइनस का 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4, तो एक क्या आ गया, x माइनस 4 और एक x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 4 और 2,
ठीक है, कुछ भी हो, चार और दो हो सकती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, चार, चार और दो दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, तो फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल किसके बराबर है, पाँच, तो पाँच से पाँच कट गया, तो एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, ठीक है। आ गया समझ में, तो जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़ीरो ही होगी ना, ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब देखो नेक्स्ट टाइप, देखो एक बार, इसे द नंबर ऑफ ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री विद ईच एंट्री जीरो और वन इज, अब ऑप्शन में दे, ऑप्शन है 27, 18, 81, 512, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या कह रहा है, विद ईच एंट्री जीरो और वन, मतलब जो इसके अंदर, जो अंदर का जो एलिमेंट होगा जीरो और वन भी हो सका है, ठीक है, जीरो और वन भी हो सका है। तो अब देखो, तो द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर, मतलब ये दिखाना है, मतलब थ्री इंटू थ्री का है, तो क्या पूछ रहा है। अब देखो, जैसे एलिमेंट होते हैं, जैसे थ्री इंटू थ्री का तो यही हो गया, ठीक है, ये होगा थ्री इंटू थ्री ऑर्डर्स का क्या हो गया, ये हो गया भाई थ्री इंटू थ्री ऑर्डर है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो जीरो और वन भी हो सकता है, यहाँ जीरो और वन, जीरो और वन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, मतलब दोनों एलिमेंट, मतलब प्लेस एक होगा लेकिन जीरो और वन कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब दो एलिमेंट हैं हमारे पास, तो जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट पहले प्लेस को भरने के लिए दो डिजिट हैं, अब दूसरे को भरने के लिए टू डिजिट हैं, फिर तीसरे को भरने के लिए टू डिजिट हैं, अब इसको भरने के लिए टू डिजिट, ऐसे करके ये नौ हैं, ये नौ प्लेस हैं, तो ठीक है, यहाँ तक नाइन टाइम्स तक आ जाएगा, तो यानी दो की पावर कितना हो गया, नाइन, तो दो की पावर नाइन कितना होता है, 512, दो की पावर नाइन कितना होता है, तो 512 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। और आपको ऐसे नहीं करना, जैसे देखो क्या दे रखा है, थ्री इंटू थ्री, और कितने कितने की एंट्री है, ईच एंट्री जीरो और वन, यानी कि दो अंक हैं, जीरो और वन, तो कितने अंक हो गए, दो अंक, कितने अंक हो गए, दो अंक, और ऑर्डर कितना है, थ्री इंटू थ्री, यानी थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री का मतलब कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, थ्री इंटू थ्री में नाइन, तो नाइन से नाइन की पावर लिख दो, कितना आंसर हो जाएगा, 512, डायरेक्ट करना है हमने। जैसे थ्री इंटू थ्री का क्या है, ऑर्डर है, तो थ्री इंटू थ्री में कितने एलिमेंट हो गए, नौ, और विद ईच एंट्री जीरो और वन, यानी कितने किस इसके अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, जीरो और वन भी हो सकते हैं, यानी दो एलिमेंट, तो दो एलिमेंट हो सकते हैं, तो दो की पावर नौ, क्योंकि थ्री इंटू थ्री ऑर्डर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिस, टोटल नंबर ऑफ टू इंटू टू मैट्रिसज विद ईच एंट्री जीरो और वन। अब बताओ जीरो और वन दो हैं, क्योंकि जीरो और वन हो सके हैं, दो नंबर हैं, ठीक है, तो दो लिख दिया, और कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है, टू इंटू टू, यानी कि टू इंटू फोर, टू इंटू टू, तो कितने एलिमेंट हो गए, फोर, तो दो की पावर चार, तो इक्वल टू क्या होगा, 16 आंसर, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट द नंबर ऑफ, मतलब ऑल पॉसिबल जितनी मैट्रिस हो, कितनी मैट्रिस लिख सकते हैं, ठीक है, कौन से कितने का ऑर्डर होना चाहिए, दो इन टू इंटू टू, टू ऑर्डर्स की मैट्रिक, टू ऑर्डर की मैट्रिक होनी चाहिए, टू इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक होनी चाहिए, विद ईच एंट्री वन टू थ्री, मतलब अब क्या होगा, तीन आएंगे, अब पहले प्लेस पर तीन, दूसरे पर क्यों, टू इंटू टू ऑर्डर की है, तो पहले स्थान को बनने के लिए तीन अंक, तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, तो ठीक है, तो कितना हो गया, तीन की पावर चार, ठीक है। अब करना कैसे है, जैसे पहले स्थान को बनने के लिए कितने अंक हैं, तीन, तो तीन हैं, तो तीन हैं, तो क्या करेंगे, तीन लिख दिया। अब देखो कितने ऑर्डर की मैट्रिक है, टू इंटू टू, तो दो दुनी चार, तीन की पावर चार आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया ना मेरे पेपर में।
द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 3 विद ईच एंट्री 1 और -1, इससे -1 1 इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले स्थान को बनाने के लिए 1 और -1 हो सकता है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 2 2 × 3 यानी कि 2 रो यानी 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो 2 × 3 यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 6, ठीक है। अब देखो कितने हैं अंक, एंट्री कितने की है, ईच एंट्री 1 और -1 यानी 2 की, तो 2 है ना अंक, तो 2 की पावर मैट्रिक्स कितनी, मैं 2 × 3 की है तो 2 3 6, तो 2 की पावर 6 64, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में जो बता रहा था आपसे एक क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स होल एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई, मतलब ए आई जे यानी कि आई क्या है रो और जे क्या है कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू 2 i j। अब देखो इसको कैसे निकालना, मैट्रिक्स कितने की बनानी है, 3 × 4 की यही बनानी है ना, 3 × 4, हाँ ठीक है, किसकी बनानी है, 3 × 4 की, क्योंकि 12 एलिमेंट होंगे इसका मतलब। अब देखो क्या होगा, जैसे आई जे, तो आई जे का मतलब पहला, अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 1 यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, और ये दे रखा है आपसे 2 i - j यानी कि 2 i - j। अब 1 1 रखो, आई की जगह 1 रखा, 2 × 2 और -1, 2 - 1 1, तो a11 आपका क्या आ गया एलिमेंट 1। अब इसी तरह a12 के लिए फर्स्ट रो निकाल रहे हैं ना, तो a12, अब देखो i की जगह क्या रखेंगे 1 और j की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 × 2 2 - 2 क्या हो गया 0, ठीक है। अब a13, तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, a की जगह तो हमें a ही रखना है, तो 2 - 3 क्या होगा -1। अब a21, अब देखो 2 2 2 4 4 - 1 कितना हो गया 3, ठीक है। a22 ये क्या होगा, अब इसकी आई की जगह 2 और जे की जगह 2, तो 2 2 4 4 - 2 2, ठीक है। अब a23, अब देखो a23, तो a23 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 2 4 4 - 3 इसकी जगह जे की जगह 3, तो 4 - 3 1, ठीक है। अब देखो a31, 2 3 हो गया ना, a31, ठीक है, रुको भाई, हाँ 4 के ना, 4 तो कॉलम है ना, तो इसकी जगह a14 और निकाल दो भाई, ठीक है, a14, तो क्या होगा, 2 1 2 2 - 4 - 2 आ गया ना, तो यहाँ पर 2 4 भी आएगा, a24, ठीक है, क्योंकि 3 × 4 की है ना, 3 तो कॉलम है, 3 तो रो हैं 4 तो कॉलम है, तो क्या होगा a24, तो 2 2 4 4 - 4 0, ठीक है। अब a31 निकालना है, तो 3 1 का क्या होगा, 3 2 6 6 - 1 5, a32 क्या होगा, 3 2 6 और -2 4। अब देख a33, तो 3 3 9 9 - 3 6, a34, ठीक है, a34, तो 3 2 6 6 - 4 2, ठीक है। अब हो गए सभी एलिमेंट हो गए, अब देखो बनाओ ऑर्डर। अब देखो आपको ऑप्शन में ऐसे मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, तो अब बताओ a11 क्या था आपका, a11 क्या था 1, a12 क्या था 0, और a13 क्या था -1, और a14 क्या था -2, क्योंकि फर्स्ट रो चल रही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम। अब देखो सेकंड रो 3, अगला 2, अगला 2 3 कितना हो गया 1, और इससे अगला 0। अब देखो ये क्या है 3 1 5, ये क्या आएगा 4,
छः और दो। अब देखो कितने को क्या किसके किस ऑर्डर की दे रखी थी, 3 × 4। अब देखो एक दो तीन, तीन रो हो गई, एक दो तीन चार, चार कॉलम हो गए, हो गई ना। ठीक है, ऐसे करना है अगर ऑप्शन में आएगा ये ऐसे ही। अब देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई दो मैट्रिक्स दे दी आपको, ए इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6, बी दे दी आपको 3, 2, 4, 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी। अब आपसे बोले ए प्लस बी निकालो, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, दो जैसे ए प्लस निकालना है तो बस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ दो, 2 और 3, 5, 4 और 2, देखो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे सेकंड से जोड़ दो, 4, 2, 6, 5 और 4, 9, और 6 और 1, 7। बस ये क्या हो गया, आपकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपकी पहले थी, जैसे ए कितनी थी 2 × 2 ऑर्डर की, और बी कितनी थी 2 × 2 ऑर्डर की, जो आप प्लस करोगे ना तो भी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब ए माइनस बी निकालना हमने, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालने का क्या मतलब है भाई, दो में से माइनस, दो माइनस तीन कितना हो गया, माइनस का एक, वही कर लो सेम। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, तो ये क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। ठीक है, अब कुछ भी करना हो, मान लो अब से ये पूछ ले 3a माइनस का b, ये पूछ ले 3a माइनस b निकालो, पहले क्या करना आपने, ये निकालना, ये निकालना आपको। तो पहले 3a निकालेंगे हम, क्योंकि इस a की है ना, जैसे a मैट्रिक्स क्या थी आपकी, देखो a मैट्रिक्स थी आपकी ये, तो कितनी थी a मैट्रिक्स आपकी, ये थी, जब मैं लिख देता हूँ एक बार, 2, 4, 5, 6, ये थी। ठीक है, और b कितनी थी आपकी, मैं बता देता हूँ बाद में बता दूँगा। तो 3a निकालना ना, क्योंकि 3a चाहिए, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस 3a, तो क्या होगी उस मैट्रिक्स की सारे की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये क्या होगी 3 से ऐसे मल्टीप्लाई। अब देखो आपके पास 3a रहा, तो 3a कितना आपके पास, 6, 12, 15, 6, 12, 15, 18। ठीक है, हो गया 6, 12, 15, 18। ठीक है, अब देखो 6, 12, 15, 18 ये क्या है, 3a है, और माइनस क्या करना है हमें, b, तो b कितना था हमारा, 3, 2, 4, 1, तो 3, 2, 4, 1, 1। ठीक है, 3, 2, 4, 1, अब ये माइनस कर दो। अब माइनस ही तो करना रह गया, क्योंकि 3a माइनस b लिख दिया ना हमने, तो अब ये माइनस कर दो, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 2 गया 10, 15 में से 4 गया 11, और 18 में से 1 गया 17। तो देख लो कुछ भी कर लो आप, तो जो ऑर्डर पहले ए और बी का है ना, वही वही जो बाद में रिजल्ट होगा उसका होगा 2 × 2 ऑर्डर में। ठीक है, कुछ भी निकलवा ले हमसे। अब जैसे क्वेश्चन देखो, लेट ए, ए दे रखा है, बी दे रखी है, सी दे रखी है। ठीक है, और आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताई नहीं आपसे, अगर आपको मान लो वीडियो क्लियर नहीं दिखे तो 720 में चला लिया करो, जो आपका वीडियो का जो फॉर्मेट होता है ना, जो वीडियो चलाते हो आप सेटिंग में जाके उसका जो रिजोल्यूशन है वगैरह, 720 में चलाओगे तो बिल्कुल साफ दिखेगा। ठीक है, तो अब उसको 720 में चला लिया करो। ठीक है, अब देखो ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं, फाइंड द ए प्लस बी, बताओ कोई दिक्कत जोड़ने में, ए माइनस बी कोई दिक्कत जोड़ने में, अभी बताया था माइनस करने में दिक्कत, कोई नहीं। अच्छा 3a माइनस सी, अब देखो a की 3 साथ मल्टीप्लाई और माइनस सी करना है, तो माइनस सी कर दो ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मतलब समझा रखे हैं मैंने। ठीक है, अच्छे तरह से तो आप कर लेना इसको। ab, अब देखो
मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बस कुछ नहीं, दो चार बार करोगे ना तो आप हो जाएगी। जैसे क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है हमने, ध्यान से देखना भाई, दो चार तीन दो ए, और बी क्या दे रखा है, एक तीन माइनस दो और पाँच, ठीक है ये दे रखी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने, क्या करनी है मल्टीप्लाई, ए बी करना है हमने, तो क्या करोगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, दो चार तीन दो, एक तीन माइनस दो और पाँच, ए बी करना है, ठीक है बी ए नहीं है ए बी, कदे आप बी ए कर दो, बी ए में अलग आंसर आएगा और ए बी में अलग आएगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब रो की करो, दो दूनी दो एकम दो, ध्यान से देखना, दो एकम दो, अब ये क्या है चार, इसके सेकंड है, इसके फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि इसका अब क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट की तो फर्स्ट उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस, ठीक है चार दूनी आठ, माइनस का क्या है आठ, क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है ये क्या हो गया भाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, दो एकम दो और चार दूनी आठ, सेकंड की सेकंड के साथ कॉलम, मतलब सॉरी एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट की तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, और फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब देखो, अब इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करो, दो तिया छः, चार पंजे बीस, प्लस का बीस, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो तीन एकम तीन, प्लस दो दूनी चार, अब देखो, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तीन तिया नौ, दो पंजे दस, ये हो गई मल्टीप्लाई बस। अब देखो, दो माइनस आठ कितना होगा, माइनस का छः, छब्बीस, ये कितना हो गया, माइनस का वन, और ये कितना हो गया उन्नीस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ये क्या हो गया आपका ए बी, ये देख लो जी, ये क्या है माइनस माइनस छः, छब्बीस माइनस वन माइनस सॉरी उन्नीस, ठीक है। तो क्या हो गया ये आपका आंसर, आई होप आपको समझ आया होगा, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching.